हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी चैनल पर। इस चैनल पर अभी हम देख रहे हैं बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टैग का यूज करने वाले हैं उसे कहते हैं ड्यू टैग। ड्यू टैग हमारे जो एचटीएमएल का पेज होता है उसके अंदर कई सारे डिविजन क्रिएट करने के काम आता है, और जो ड्यू टैग है वो हमारे पूरी वेबसाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है। इस टैग की वजह से ही पूरी वेबसाइट क्रिएट होती है। जो पूरी वेबसाइट बनती है वो ड्यू टैग के अंदर ही बनाई जाती है। इस ड्यू टैग के साथ हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीएसएस, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्टाइल शीट। क्रिस्टल स्टाइल शीट का यूज हम अपने ड्यू टैग में करेंगे। बिना सीएसएस के हमारा ड्यू टैग विजिबल नहीं हो पाता है, दिख नहीं पाता है। और अभी जो भी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जिस भी चीज का जो भी हम लिख रहे थे, जो भी हम कोडिंग कर रहे थे, वो कोडिंग हमारी प्योर एचटीएमएल थी। तो अभी आपको सीएसएस और एचटीएमएल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा और आपको पता चलेगा सीएसएस से किस तरीके से वेबसाइट हमारी ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है। तो बिना किसी डिले के आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर पर। टेक्स्ट एडिटर पर हम हमारा एक पेज सेव कर लेते हैं ड्यू नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेसिक एचटीएमएल लेआउट क्रिएट कर लिया है। तो अभी हम बनाते हैं हमारा ड्यू टैग। ये हमारा सिंपली ड्यू टैग बन चुका है, पर जो हमारा ड्यू टैग होता है वो बनने के बाद नजर नहीं आता। जैसे कि मैं आपको इसका आउटपुट एक बार बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ड्यू टैग है अभी क्रिएट तो हो चुका है, पर अभी कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसके साथ हमें हमारे हमेशा सीएसएस का इस्तेमाल करना होता है। तो जो सीएसएस है, सीएसएस दो तरीके से लिखी जाती है। एक सीएसएस जो होती है वो होती है हमारी, या तो हम हेड टैग में लिख सकते हैं या फिर हम हमारी सीएसएस की एक अलग से फाइल बना सकते हैं जिसे हम .css के नाम से सेव करते हैं। उसका एक्सटेंशन css ही होता है, या फिर हम यहाँ पर इनलाइन css दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमें आपको दिखाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में इनलाइन css दूंगा। तो यहाँ पर हमें इनलाइन css देने के लिए लिखना होता है स्टाइल। जब हम जैसे स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के सामने एक इक्वल का साइन आता है। इक्वल के बाद यहाँ पर दो कॉमास आते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद हमें इसके अंदर हमारी स्टाइल लिखना होती है। तो हम यहाँ पर स्टाइल लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें देना है कि हमें हमारी ड्यू की विड्थ कितनी रखना है। तो मैं इसको पहले विड्थ दे देता हूँ, इसकी विड्थ मैं कितनी रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इसकी विड्थ रखना है 300 pixels। अभी मैं पिक्सल्स में दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं अपनी इस ड्यू की हाइट कितनी देना चाहता हूँ। मुझे इसको हाइट भी देना है 300 pixels, और इसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा विजिबल हो आपको, इसलिए मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ रेड, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गए हम हमारे यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा ड्यू बन चुका है। और ये इसकी विथ है, ये हाइट हो चुकी है, इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है, और ये हमारा ड्यू जो है वो फुल्ली विजिबल हो चुका है। तो इस तरीके से हम हमारे वेबसाइट के अंदर कई सारे ड्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस तरीके से कुछ पूरा एक वेबसाइट का बेसिक लेआउट बनाना बता देता हूँ। तो अभी हम जैसे कि इसके अंदर स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो मैं अब आपको जो है अलग से एक स्टाइल शीट की स्टाइलिंग करके बताऊंगा इसके अंदर, जो कि अभी मैं पहले हेड टैग के अंदर ही करूंगा। हेड टैग के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए हमें सिंपली अपना एक स्टाइल टैग लगाना होता है। ये मैंने स्टाइल टैग लगाया, इसका टाइप है टेक्स्ट सीएसएस, और इसके बाद मैं इसके बीच में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमें अपनी स्टाइलिंग लिखनी होती है। अब हमारा ये ड्यू है, जैसे कि अभी तो हमारे पास एक ही ड्यू है, पर जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कई सारे ड्यूज होते हैं। तो उन सारे ड्यू को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसकी हम एक आईडी दे देते हैं कि इस ड्यू की क्या आईडी है। जैसे कि अभी मेरा सबसे पहला वाला ड्यू है, तो मैं इसे हेडर आईडी दे देता हूँ। ये मेरी आईडी हो चुकी है हेडर। अब इस हेडर के अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ हमारा H1 टैग में, और इसका मैं लिख देता हूँ
प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मेरी एक्सेल शीट के अंदर इसके हेडर की सीएसएस लिखना है, तो मैं लगाऊंगा हैज, हम आईडी के लिए हैज लगाते हैं, और ये मैंने लिखा हेडर। हेडर के बाद मुझे दो ब्रैकेट ओपन करना है, कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे अपनी ड्यू की हाइट और विथ सेट करना है। अब जैसे कि मैं इसके अंदर विथ दे देता हूँ, विथ मैंने इसको दी 1000 पिक्सल्स, हाइट मैंने इसको दी मान लीजिए 50 पिक्सल्स। उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया ब्लू। और उसके बाद मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं मार्जिन, तो मैं भी इसकी मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। दोस्तों आप घबराइए मत, इस मार्जिन के बारे में मैं आपको आगे बताता चलूंगा कि मार्जिन करता क्या है। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसके अंदर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्यू है जो कि ब्लू कलर का है। इस ब्लू कलर के ड्यू में H1 नाम का हमारा, ये हमारे H1 टैग के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये हमारा ड्यू क्रिएट हो चुका है। कई सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि इस तरीके से कई बारी कई सारी वेबसाइट में हेडर बना होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।